हम अपडेट कर रहे हैं और जैसे कि मैंने कम्युनिटी टैब में कल डाला था कि आज एक सेलिंग पर्पस का वीडियो आने वाला है 9 जून 2024 को, तो आज 9 जून 2024 है और ये एक सेलिंग पर्पस का हमारा वीडियो है जिसमें रिपब्लिक इंडिया के मोस्टली मैंने कॉइन्स आप लोगों के लिए लाए हुए हैं और कुछ ब्रिटिश इंडिया के भी कॉइन्स आपको इसमें देखने मिलने वाले हैं और साथ में कुछ एल्बम जो पूरा का पूरा एक सेट होता है 20 कॉइन का मिनी एल्बम मैं फिर से लाया हूँ आप लोगों के लिए। इसमें भी कुछ स्पेशल है जो आप लोगों को देखने मिलेगा, ठीक है। और कुछ यूएनसी सेट वगैरह भी हैं जो पहले भी मैं दे चुका हूँ और फिर से आज हमारे पास आए हुए हैं। तो इस वीडियो में जो भी कलेक्शन मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, इसको अगर आपको बाय करना है तो सबसे पहले आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर देखिए, व्हाट्सअप नंबर जो पब्लिक वाला होता है, या वीडियो में भी मैं दिखाते रहता हूँ 9699065064। और इसके बाद फिर मैं जब वो नंबर आप उस पर जब स्क्रीनशॉट के साथ व्हाट्सअप करते हैं कि ये कॉइन आपको चाहिए, तो मैं दूसरा नंबर जब देता हूँ उसके ऊपर आपको पेमेंट करना होता है, या उस पर मैं पेमेंट की डिटेल भेज देता हूँ, तो उस पर आप या बैंकिंग डिटेल ले सकते हैं या स्कैनर कोड ले सकते हैं, आप उस पर भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नए लोगों के लिए बताने के लिए, बहुत से लोग जो है ना, अच्छा जिनके पास मेरा दूसरा नंबर है डायरेक्ट उसी पे मैसेज करोगे तो वो पहले कंसिडर होगा, पहले मतलब मैं कहूँ उनको पहले प्रेफरेंस देता हूँ बाइंग के लिए, फिर उसके बाद 9699 वाले पे जो नए लोगों का मैसेज आता है तो उनमें फिर चेकिंग की जाती है। लेकिन कोशिश हमेशा यही करना कि जो भी बुकिंग करेंगे आप उसका स्क्रीनशॉट के साथ कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए ये भी साथ में लिखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से कॉइन आज है हमारे पास जो आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं और आने वाले 3 से 5 साल में काफ़ी अच्छा इनसे बेनिफिट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ ये है कॉपर निकल के कॉइन 5 रुपीज़ के ब्रिलियंट यूएनसी कंडीशन वाले महात्मा बसवेश्वरा जी के, ठीक है। ये 2 सेट है मेरे पास 10-10 कॉइन का, 10 रुपीज़ के ये 2 सेट हैं, सॉरी 10-10 पीस के 2 सेट है ये मेरे पास, ठीक है। बी यू एन सी कंडीशन है, ब्रिलियंट यू एन सी कंडीशन है और ये 10 कॉइन का पूरा सेट जो आपको मिल रहा है ये 1050 रुपये में आपको मिलने जा रहा है विथ शिपिंग, 1050 रुपया, ठीक है। ब्रिलियंट यू एन सी कंडीशन के महात्मा बसवेश्वरा जी के कॉपर निकल के सिंगल मिंट कॉइन है और स्कार श्रेणी के ये कॉइन है, काफ़ी डिमांड में आ सकते हैं ये आने वाले 2 से 3 साल में इस कंडीशन में, ठीक है। ये बात का टारगेट लेके चलना है कम से कम 3 साल का, उसके बाद फिर अगर आप सेलिंग के लिए जाएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन से कॉइन है इस टाइप का ही। एक फिर से देखिए ब्रिलियंट यूएनसी या जेम यूएनसी कंडीशन का ये 10 पीस का लॉट है, 1991 हैदराबाद मिंट के ये कॉइन है, स्टार आप देख सकते हैं, ये भी स्कार श्रेणी के ही कॉइन है और ये पूरा लॉट आपको मिल रहा है 1800 रुपये में विथ शिपिंग, ठीक है। 1800 रुपीज़ में ये आपको मिलने जा रहा है विथ शिपिंग, 10 पीस का लॉट है ये, ठीक है। ब्रिलियंट यूएनसी कंडीशन देख सकते हैं आप, कंडीशन काफ़ी बेहतरीन है। तो इसी के साथ फिर से ब्रिलियंट यूएनसी कंडीशन में अगर आप देख रहे हैं तो ये है 50 पैसे के इंदिरा गांधी जी के हैदराबाद मिंट के कॉइन, ठीक है। ये भी एक स्कार श्रेणी का कॉइन होता है हैदराबाद मिंट का और ये भी 5-6 कॉइन है, 1 सिंगल पीस ये आपको मिलने जा रहा है 125 रुपीज़ के हिसाब से। तो 5 भी अगर लेंगे तो 120 के हिसाब से मिनिमम आपको हो जाएगा, ये 5 120 रुपीज़ के हिसाब से आपको मिल सकते हैं हैदराबाद मिंट के ब्रिलियंट यूएनसी कंडीशन में, ठीक है। अब और आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ये एक 4 पीस का आप देख सकते हैं 5 रुपये के कॉपर निकल वाले 9 ग्राम के कॉइन होते हैं। इनमें मिंट वाइज अगर चेक करोगे तो ये कोई रेयर या वेरी स्कार श्रेणी के मिंट आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन ये सारे के सारे रेडिड एज वाले हैं, ठीक है। ये एज देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं रेडिड एज। तो ये रेडिड एज के जो चारों कॉइन हैं ये आपको एक साथ मिल जाएंगे 700 रुपीज़ में, 700 रुपये में चारों कॉइन, इनकी रेडिड एज होने की वजह से वैल्यूएशन बढ़ती है। अगर ये यूएनसी में होते तो कम से कम एक कॉइन की कीमत 300-400 या 500 रुपये तक भी जाती एक कॉइन की कीमत, लेकिन मिनिमम 300 पकड़ के चल सकते हैं बेस्ट यूएनसी कंडीशन होती तो, ठीक है। और इसके अलावा अगर कुछ
कार श्रेणी में ये आ जाता तो जाहिर सी बात है, या रेल श्रेणी में इस टाइप का एज वैरायटी आता तो कीमत जो उसकी मार्केट प्राइस है उससे दो गुना भी बढ़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें भी देखी जाती है न्यूमिस्मेटिक फील्ड में। ठीक है, अब देखिए कुछ 25 पैसे के कॉइन्स के सेट मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप 25 पैसे के ये कॉइन है, स्मारक सिक्के है, रूरल वुमेन एडवांसमेंट, ये मुंबई मिंट के कॉइन है। ठीक है, और सबके सब ब्रिलियंट यूएनसी कंडीशन के कॉइन है, यानी बी यूएनसी टाइप की कंडीशन है इनकी भी, और सभी मुंबई मिंट के कॉइन है। इससे पहले मैंने आपको हैदराबाद के दिया था, ये मुंबई मिंट के। तो ये जो भी मिंट से आपको मिले ब्रिलियंट यूएनसी कंडीशन में, उन्हें ज़रूर संभाल के रखिएगा। आने वाले 2 से 3 साल में ही आपको दिखेगा कि इनकी प्राइसिंग कहाँ तक जा रही है। वैसे ये 4 कॉइन का सेट आपको मिलने जा रहा है 2000 रुपीज़ में, यानी एक कॉइन 500 रुपीज़ का आपको मिलने जा रहा है। ठीक है, तो ये चारों कॉइन विद शिपिंग आपको 2000 में मिल जाएंगे 2000 रुपीज़ में। तो जिसको भी ये एक सेट या 2 सेट बुक कराना है उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 25 पैसे का ही एक मैं आप लोगों को 4 कॉइन का सेट दिखा रहा हूँ, जिसमें 2 है 1959 के मुंबई मिंट के, ये भी कहीं ना कहीं इस कंडीशन में वेरी स्कार हैं आप समझ लीजिए, और 1990 भी मुंबई मिंट आप देख सकते हैं स्कार श्रेणी के ब्रिलियंट यूएनसी कंडीशन के ये 4 कॉइन है। चारों कॉइन का ये सेट आपको मिल रहा है 2500 रुपये में, 2500 रुपीज़ में विथ शिपिंग। ठीक है, काफ़ी बेस्ट कंडीशन में ये चारों 25 पैसे के कॉइन आपको एक साथ मिल रहे हैं कलेक्शन के लिए। इसमें देखिए 1967 के कलकत्ता मिंट के ब्रिलियंट यूएनसी कंडीशन में आए हुए हैं स्कार श्रेणी के, ये भी कॉइन होते हैं कलकत्ता मिंट से 1967 के, एकदम ब्रिलियंट यूएनसी ये भी कंडीशन है, और ये 4 कॉइन का पूरा सेट आपको मिलने जा रहा है 1200 रुपये में, 1200 रुपीज़। तो जिसको भी ये भी 4 कॉइन का सेट बुक कराना है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद मैं आप लोगों को जो दिखाने जा रहा हूँ ये है आधा आना, हाफ आना। ये हाफ आना जिसको कहते हैं आधा आना, ये 2 कॉइन है, और एक है 1950 का मुंबई मिंट का, एक है 1954 का मुंबई मिंट का, सेलिंग पर्पज़ के लिए आए हुए हैं ये 2 कॉइन है। काफ़ी अच्छी कंडीशन है, टॉप कंडीशन में ये कॉइन आपको मिल रहे हैं दोनों ही कॉइन, देख सकते हैं आप लस्टर भी इस पे मुझे नज़र आ रहा है साफ साफ। तो ये दोनों कॉइन की ये जो जोड़ी है आपको मिलने जा रही है 3000 रुपीज़ में। ठीक है, 3000 रुपये में ये दोनों कॉइन की जोड़ी है, जिस किसी को बुक कराना है। देखिए ये सब कंडीशन में ये कॉइन्स को रखना, 3 से 5 साल का जो मैं टारगेट देता हूँ उस बेस पे अगर आप इन्हें रखते हैं तो याद रखिए काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको इसमें मिल सकता है। ठीक है, वैसे भी अगर एक कलेक्शन अगर आप कर रहे हैं तो इस टाइप के कॉइन्स की ज़रूरत पड़ती है बेस्ट से बेस्ट कंडीशन में। तो अगर मेरे पास अच्छी कंडीशन में आ जाते हैं तो मैं सेलिंग के लिए ज़रूर आप लोगों के लिए लाता हूँ, क्योंकि ये सारे कॉइन आसानी से इस कंडीशन में मिलते नहीं हैं। वैसे भी अगर आपको एक्स्ट्रा फाइन टाइप की भी कंडीशन में मिल रहे हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मुनासिब रेट में या वैसे ही अगर कहीं से मिल रहे हैं आपको, किसी के पास रखा था आपने ले लिया कम रेट में, तो उसको ले कर रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले देखिए 10 साल या 20 साल का अगर सोच के चलेंगे ना आप, तो ये सब कॉइन काफ़ी रेयर हो चुके होंगे, और वो टाइम पे नॉर्मल कंडीशन में भी उनकी कीमत काफ़ी अच्छी जाएगी। ठीक है, तो आम चलन में अगर मान लीजिए ये सिक्का आम चलन, यानी कि किसी के पास रखा था और आपने ले लिया, मिसाल के तौर पे एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का था 50-100 रुपये में आपने ले लिया, और वो आने वाले आपने छोड़ दिया उसको 5-10 साल के लिए, अगर वो 10 साल के बाद आपको 50-100 रुपये का अगर 2-3 हज़ार रुपये मिल रहा है, ठीक है, तो समझ लीजिए आपने कितना उसमें गेनिंग किया है, लगभग 10 से 20 गुना से ज़्यादा आपने उसमें प्रॉफिट लिया है। तो ये चीज़ें देखी जाती है। अगर 5 साल में भी किसी में इन्वेस्टमेंट करने पर कोई आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो रहा है बिना मेहनत के, इन्वेस्टमेंट उसी को कहेंगे कि आपने सिर्फ पैसा लगाया, कोई उस पर मेहनत नहीं की, हाँ उसको प्रिजर्व किया रखा आपने, और उसके बाद 5 साल के अंदर आपका पैसा अगर डबल हो रहा है तो वो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। ठीक है, तो कॉइन इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे कॉइन है और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो लोगों को नहीं पता है। अगर उस टाइप से लोग थोड़ा मेहनत करके अपना कलेक्शन बनाएंगे और थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे, 5 साल 7 साल 10 साल इस टाइप की अगर थिंकिंग रख के करेंगे तो उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट होने वाला है।
ठीक है। तो जैसे ये एल्बम्स वगैरह भी जो होते हैं, ये एल्बम्स लेके ऐसा मत सोचिएगा 2 साल 3 साल में या 1 साल में मैं भेज दूँ। बोलता हूँ मैं 3 साल, लेकिन कम से कम इसको अगर 5 साल 10 साल के लिए अगर आप छोड़ देते हैं, प्रिजर्व करते हैं, तब आपको जो बेनिफिट होगा तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा, ठीक है। अब मान लीजिए एक कॉइन की कीमत, थोड़ा और अच्छे से समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को, एक कॉइन की कीमत है अभी, जैसे ये कॉइन मैंने जोड़ी आपको 3,000 में अगर आपको दी है, अब 5 साल के बाद ये जोड़ी शायद मैं आपसे 6,000 में वापस ले रहा हूँ, ठीक है, 5 साल के बाद। लेकिन 6ठे साल में 7वें साल में ऐसा हो गया कि इस कॉइन की काफ़ी अच्छी अचानक डिमांड आ गई, अब उस टाइम पे ऐसा होगा ना, वो 6,000 में जोड़ी नहीं बिकेगी, हो सकता है 15,000 20,000 में जोड़ी बिक जाएगी। तो 1 से 2 साल में ही मुझे काफ़ी अच्छा रिटर्न भी देखने मिल सकता है। तो इसीलिए ये जो पीरियड है ना 5 से 10 साल का, इस पीरियड में ऐसे मौके काफ़ी आएंगे जिसमें कोई ना कोई कॉइन जो आपने एल्बम के थ्रू में लिया हुआ है या अलग अलग सेट लिए हुए हैं, उनकी बारी ज़रूर आएगी और उनका डिमांड ज़रूर आएगा, अगर वो सही सिक्के हैं तो। कॉमन सिक्के की बात नहीं करो, माता वैष्णो देवी वाला सिक्का नहीं बढ़ने वाला है, RBI का सिक्का नहीं बढ़ने वाला है, 50 पैसे का छोड़ के, 50 पैसे में जो हैदराबाद या कलकत्ता मिंट का होता है, बाकी 10 रुपीज़ में, 1 रुपीज़ में, 2 रुपीज़ में जो होते हैं वो सब कॉमन सिक्के हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सिक्के जो कॉमन है वो UNC ग्रेड में भी 5-5 साल 10-10 साल में शायद आपको 1-2 गुना पैसा दिला दे, शायद, हाँ, अदरवाइज़ बहुत चांसेस कम है उनके कि उनसे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट हो। तो स्कार, वेरी स्कार या रेयर श्रेणी के सिक्के अगर आप ले रहे हैं, चाहे टॉप कंडीशन में ले रहे हैं या एक्स्ट्रा फाइन में ले रहे हैं, उनको अगर होल्ड करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, तो ज़रूर उस पर बेनिफिट आपको होगा ही होगा। तो इस टाइप से अगर थोड़ा सा सोच समझ के अगर आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा ऐसे सोचेंगे, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा ही होगा, ठीक है। होते आ रहा है, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए तब आपको समझ में आएगा, थोड़ा लॉजिकली सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे भी समझ लीजिए बहुत सारे लोगों को चिल्लर मिलते रहते हैं स्मारक सिक्के, सही मेंट के अगर वो आम चलन से आज भी ढूंढ के रखे ना, जिनकी कीमत भले ही आज 50 रुपया हो, लेकिन आने वाले 5 साल के लिए अगर उसको छोड़ दे वो, तो 50 रुपये का अभी, जैसे ये मान लीजिए, देखिए मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, लाल बहादुर शास्त्री जी का है ना, वेरी फाइन कंडीशन टाइप का ये कॉइन है। अब मान लीजिए ये आम चलन से आपको मिल गया, आज भी कहीं ना कहीं मिल जाते हैं ये, या किसी से आपने 20 रुपया 15 रुपया 50 रुपये में आपने ले लिया और 5 साल 10 साल के लिए इसको भूल गए आप, तो हो सकता है इसमें जो UNC में आज के टाइम में ये कॉइन बिक रहा है 400-500 रुपये के करीब, आने वाले 5 से 10 साल में हो सकता है ये UNC में 5 से 10 हज़ार में बिकेगा। अब जब UNC में 5,000 या जो भी 5,000 पकड़ के चलिए अगर बिक रहा है 10 साल के बाद, तो 10 साल के बाद इसकी आपको इस कंडीशन में 500 से 1,000 रुपये वैल्यू वैसे ही मिल सकती है, ठीक है। तो बेनिफिट हुआ ना आपका, तो ये है कॉइन कलेक्शन। अगर आप लॉजिकली करेंगे तो हर सिक्के में कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको देखने मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्सपर्ट लेवल पे काम करते हैं, जिन्हें पता चलता है या पता हो जाता है, उनको मार्केट से समझ में आ जाता है कि ये कॉइन्स अभी नहीं मिल रहे हैं, तो पर्टिकुलर उस कॉइन में वो लोग फिर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो टाइम पे उस पीरियड में उस कॉइन की ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, लोगों को पता नहीं रहता है कि ये अभी दुर्लभ होते जा रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अभी रिसेंटली 2023 में 1988 नोएडा मिंट 1 और 86 हैदराबाद, ये मैंने खुद जब सेल किया था तो बोला था भाव बढ़ेगा, 86 का हैदराबाद मैंने शायद, मुझे जहाँ तक याद है, जब सेल किया था मैंने 300 या 400 रुपए से उसको काफ़ी अच्छी कंडीशन में सेल किया था मैंने। और वही कंडीशन का आज अगर मैं 1 साल के बाद मैं खुद ख़रीदने जाऊँ तो 800 से 1,000 रुपये कम से कम मुझे उसे पे करना पड़ेगा। तो ये हो जाता है कभी कभी, आप अगर सही एनालिसिस करते हैं तो 1 से 2 साल में ही आपको डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल 5-5 गुना भी फ़ायदा इसमें हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और भी कौन से कॉइन है जो आप कलेक्ट करके रख सकते हैं। ये एक नोएडा मिंट का कॉइन है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, ये भी रिसेंटली रेयर श्रेणी में जा चुका है, काफ़ी अच्छी कंडीशन है, लस्टर वगैरह इस पर भी मौजूद है, इस कंडीशन में ये आपको मिलने जा रहा है 1500 रुपये में, 1500 रुपीज़ में, नोएडा मिंट का सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 2 रुपीज़ वाला कॉइन, ठीक है। और ब्रिटिश वाला मैं एंड में दिखाऊंगा आपको। चलिए ये सेट दिखाते हैं, ये देखते हैं ये सेट, ये पहले भी दे चुका हूँ मैं, सेंट अल्फोंसा बर्थ सेंचुरी के शताब्दी में बनाया गया था और 2009 में ये बना था,
इसको एटीएम क्वाइन, एटीएम यूएनसी सेट भी कहा जाता है। एटीएम कार्ड की तरह ये होता है, ठीक है। ये 5 रुपीस का क्वाइन है, यूएनसी सेट है, और फिलहाल ये मेरे पास लगभग 6 सेट अवेलेबल है, देख सकते हैं आप। इसमें 5 है और जो मैंने एक सिंगल आपको दिखाया ये सेट। अब ये ऑनलाइन में लगभग ये बिक रहा है, पहले 1,000 रुपये में बिका करा, लेकिन अब ये मतलब प्राइसिंग थोड़ा वो लोग हाई बताते हैं, तो मैं भी नेट पे खाली दिखा देता हूँ आपको कि ऑनलाइन में अगर आप बाय करने जाएंगे ना, तो आपको कम से कम देखिए 733 रुपया लिखा हुआ है इधर पे, ठीक है, 733 रुपया। तो ये ऑनलाइन का रेट है। मैं हालांकि इस रेट को नहीं आपको कहूँगा कि ये परफेक्ट रेट है, लेकिन ऑनलाइन में लोग खरीदते हैं ना इस टाइप से भी, तो ऑनलाइन में ये रेट होते हैं। तो अगर आप हमारे से भी लेंगे तो ये एक सेट आपको मिलने जा रहा है विथ शिपिंग, विथ शिपिंग 350 रुपीज़, 350 रुपया एक सेट, ठीक है। यूएनसी सेट है, अच्छा सेट है, एक सिंगल क्वाइन है, और आने वाले टाइम में ऐसे सेट्स 2 से 4 साल में ही काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, जो कम रेट्स के हैं अभी, ठीक है, और थोड़ा यूनिक भी है, और मतलब उनकी समझ लीजिए कि ज़्यादा अभी लोगों को पता नहीं है, लेकिन जब पता चलता है, जैसे अभी वीडियो गई है, तो काफ़ी लोग फिर इसको ख़रीदना स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा होता है। तो चलिए आगे बढ़ रहा हूँ, अभी आपको रेयर कॉइन में ब्रिटिश इंडिया के कॉइन दिखाएंगे, फिर उसके बाद एल्बम लास्ट में आपको देखने मिलेगी। पहले तो आप ये देखिए, 1 क्वार्टर आना किंग जॉर्ज 6th का है, 1941 का, ठीक है। ये एक रेयर कॉइन है बॉम्बे मिंट से, याद रखिए बॉम्बे मिंट से ये रेयर होता है। तो मिंट का पहले आपको पता होना चाहिए कौन से मिंट से कौन सा कॉइन रेयर है। तो ये किंग जॉर्ज 6th का जो भी कंडीशन है आप देख सकते हैं, ये कंडीशन में हमारे पास अवेलेबल हुआ है, और अगर ये यूएनसी में होता तो काफ़ी हाई वैल्यूएशन इसकी जाती। फ़िलहाल जो भी कंडीशन है, इस कंडीशन में ये आपको 3,000 रुपीज़ में मिल सकता है, 3,000 रुपये में आप इसको ले सकते हैं। इसका ऑफवर्स और रिवर्स मैं दोनों आपको दिखा रहा हूँ, जो भी कंडीशन है आप देख लीजिए। कॉपर का ये कॉइन होता है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा इस पर आपको ब्लैक स्पॉट जैसा भी नज़र आ रहा होगा, लेकिन फिर भी अभी इसको पॉलीथीन में लगा के, स्लीव में लगा के स्टेपल किया गया है होल्डर में, तो कभी अभी ये प्रिजर्व है ये कॉइन, ठीक है। ये एक रेयर कॉइन है, जिस किसी को बुक कराना है, मैं वीडियो में पूरी कंडीशन दिखा रहा हूँ, 3,000 रुपीज़ में आप इसको बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा देखिए, 4 आना वाला ये कॉइन है 1919 का, ठीक है, 4 आना वाला किंग जॉर्ज 5th का ये कॉइन है 1919 का, और ये भी कहीं ना कहीं वेरी स्कार श्रेणी का कॉइन है, यूएनसी ग्रेड में काफ़ी अच्छी प्राइसिंग है इसकी। फ़िलहाल ये आपको जो भी कंडीशन है, इस कंडीशन में आपको मिलने जा रहा है 4,500 रुपये में, ठीक है, 4,500 रुपये। मेरी बुक में मैंने इसकी प्राइसिंग लिखी है मेरे ख्याल से 2,000 से 12,000 रुपये तक, ठीक है, कलकत्ता मेंट की प्राइसिंग 2,000 से 12,000 रुपये तक मेरी बुक में इसकी प्राइसिंग है। यूएनसी ग्रेड में मेरे ख्याल से ये 15,000 भी आपको दिला सकता है, ठीक है, टॉप ग्रेड में। फ़िलहाल जो भी कंडीशन है आप देख लीजिए, इस कंडीशन में आपको ये अच्छी कंडीशन है, 4,500 रुपये में आपको ये मिल सकता है, जो आने वाले टाइम में ये भी एक रेयर होने के चांसेस है इसके, जल्द से जल्द 2 से 3 साल में ये भी कॉइन रेरिटी में जा सकता है। तो ये 2 ब्रिटिश के कॉइन थे। अब आप लोगों को मैं ये कॉइन एल्बम्स दिखा रहा हूँ। सबसे पहला जो कॉइन एल्बम है, ये सिर्फ़ और सिर्फ 5 रुपीज़ के स्मारक सिक्कों पे बना हुआ ये कॉइन एल्बम है, और सारे के सारे यूएनसी और ब्रिलियंट यूएनसी कंडीशन के ही इसमें आपको कॉइन देखने मिलेंगे, ठीक है। जैसे आप फर्स्ट पेज पे देख रहे हैं, एग्रीकल्चर वाला ये बोला जाता है कॉइन 5 रुपीज़ का, ये आपको मुंबई मिंट और नोएडा मिंट दोनों से आपको देखने मिलेगा, ठीक है, टॉप कंडीशन में इसमें आपको ये कॉइन मिलेंगे। इसके बाद देखिए, इंदिरा गांधी जी का हैदराबाद मिंट का ये रोटेशन एरर के साथ है, और ये आप देख सकते हैं नेहरू जी का मुंबई मिंट का बी यूएनसी कंडीशन का भी कॉइन इसमें आपको देखने मिल जाएगा। इसके बाद महात्मा बसवेश्वरा जी का कॉपर निकल का बी यूएनसी वाला देख सकते हैं, और तमिल कॉन्फ्रेंस वाला 5 रुपीज़ का मुंबई मिंट का भी ब्रिलियंट यूएनसी कंडीशन का आप इसमें कॉइन लगा हुआ देख सकते हैं। फिर यूएनसी कंडीशन में तिलक की वाला कॉपर निकल का है, और हैदराबाद मिंट का यूएनसी कंडीशन या ब्रिलियंट यूएनसी कंडीशन में लगा हुआ ये कॉइन, जिसमें वेट भी एक्स्ट्रा है, 9.23 ग्राम का इसका वेट है, और ये के कामराज जी का कॉइन है, ठीक है, ओवर वेट वाला है। रेडिटेज में यूएनसी कंडीशन में लगा हुआ है ये कॉइन लाल बहादुर शास्त्री जी का, इसीलिए मैंने इसको बड़े वाले इसमें लगाया ताकि आपको ये एज भी यहाँ से नज़र आ जाए। ये रेडिड एज का कॉइन है,
ठीक है, आसानी से मिलेगा नहीं इस ग्रेड में। और BUNC कंडीशन में आप जगत गुरु जी का कॉपर निकल का भी सिक्का आप दे सकते हैं। ये सब सिक्के ऐसे हैं ना, 4-5 साल में देखना ये सब बहुत हाई डिमांड में जाने वाले हैं, इस कंडीशन में तो काफ़ी हाई में जाएंगे। फिर आप देखिए नोएडा मिंट का UNC कंडीशन का ILO और मुंबई मिंट का भी UNC कंडीशन का ILO आपको इसमें देखने मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद मदर एंड हेल्थ वाला नोएडा मिंट का BUNC कंडीशन में है, और हैदराबाद मिंट का भी आप देख सकते हैं UNC कंडीशन में इसमें कॉइन आपको देखने मिल जाएगा। और फैट लाइन डाई वराइटी 1998 का डेफिनेटिव सीरीज़ का मुंबई मिंट का 5 रुपीज़ ब्रिलियंट UNC कंडीशन में लगा है, और मदर एंड हेल्थ वाला ही ये तीसरा कॉइन भी मुंबई मिंट का UNC कंडीशन में लगा है, यानी तीनों मिंट के मदर हेल्थ वाले इसमें कॉइन आपको देखने मिल जाएंगे। और फिर यूनाइटेड नेशन का नोएडा मिंट का भी UNC कंडीशन में आपको इसमें मिलेगा, साथ में मुंबई मिंट का भी आपको ब्रिलियंट UNC कंडीशन में आपको इसमें देखने मिल जाएगा। तो सारे 5 रुपये के ऐसे कॉइन्स जो आपको आसानी से इन कंडीशन में मिलेंगे नहीं। ये देखिए 5 रुपीज़ में अब नोएडा मिंट और मुंबई मिंट दोनों ही मिंट से ये आपको मिल जाएगा UNC और ब्रिलियंट UNC कंडीशन में। भगवान महावीर वाले ये कॉइन होते हैं 5 रुपीज़ के। इसमें नोएडा मिंट की बहुत जल्द मेरे हिसाब से UNC कंडीशन में डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये सारे कॉइन्स है, ये पूरा एल्बम मेरे हिसाब से मार्केट एस्टिमेशन इसका जो इस कंडीशन में जो मैंने आपको दिखाया है, इस कंडीशन में ये आपको ये जो भी कॉइन अगर आप ख़रीदने जाएंगे एक एक कॉइन, तो 16,000 तक भी आपको इसका पे करना पड़ सकता है, 16 से 17,000, ठीक है। तो ये आपको एक पूरा 5 रुपीज़ के स्मारक सिक्कों का काफ़ी बेस्ट टॉप कंडीशन, एक इसमें डेफिनेटिव सीरीज़ है, बाकी सारे स्मारक सिक्के ही हैं। तो ये सारे पूरा एल्बम आपको मिलने जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 12,500 रुपये में, 12,500 रुपीज़ में। अगर आप इसको 3 साल से 5 साल होल्ड करते हैं तो इसमें काफ़ी ऐसे सिक्के हैं जिनकी कीमत काफ़ी हाई जा सकती है, ठीक है। तो ये एक एल्बम है 20 कॉइन्स का जो अपने आप लेके रख सकते हैं। अब जो एल्बम दिखाने जा रहा हूँ इसमें 1 रुपीज़ भी है, 2 रुपीज़ भी है, 5 रुपीज़ भी और 10 रुपीज़ भी है, और सारे BUNC कंडीशन के ही इसमें भी आपको देखने मिलेंगे। ये देखिए 1990 हैदराबाद मिंट BUNC कंडीशन 2 रुपीज़, नेशनल इंटीग्रेशन की थीम वाला, और रेडी एज का 1 रुपीज़ का, सॉरी सिक्योरिटी एज का जो रेयर होता है चाइल्ड गर्ल केयर वाला सिक्का, ये भी आप देख सकते हैं इसमें लगा हुआ है। इसके साथ साथ छोटा किसान UNC कंडीशन में देख सकते हैं, और 1962 का भी कोलकाता मिंट का UNC कंडीशन का 1 रुपीज़ आप इसमें देख सकते हैं। महात्मा बसवेश्वरा वाला कॉपर निकल का ब्रिलियंट UNC वाला है, और म्यूल कॉइन में भी ये FSS में लगा हुआ आपको देखने मिल जाएगा। तिलक की वाली जोड़ी है, FSS और कॉपर निकल दोनों ही UNC जेम UNC कंडीशन में देख सकते हैं आप। और 10 रुपीज़ का डॉक्टर राधा कृष्णन जी का कोलकाता मिंट का एक कॉइन है जो कहीं ना कहीं रेयर है इस कंडीशन में। और देखिए कोमाघाटा मारू वाला भी आपको इसमें कोलकाता मिंट का ब्रिलियंट UNC कंडीशन में एक रेयर कॉइन देखने मिल जाएगा। साथ में 1 रुपीज़ में महाराणा प्रताप जी का मुंबई मिंट का रेयर कॉइन है, और ब्रिलियंट UNC कंडीशन में आप देख सकते हैं पार्लियामेंट वाला 1993 का कॉइन भी इसमें आपको देखने मिल जाएगा। कोलकाता मिंट का 150 इंडियन पोस्ट वाला ये ईयर वाला इंडियन पोस्ट का कॉइन भी UNC कंडीशन में देखने मिलेगा, और 1 रुपीज़ में 1950 का मुंबई मिंट का ये आपको इसमें कॉइन देखने मिल जाएगा डेफिनेटिव सीरीज़ का, ठीक है। और फिर 5 रुपीज़ में अगर देखेंगे आप खादी एंड विलेज, खादी ग्राम उद्योग वाला टॉप कंडीशन में लगा हुआ है FSS का कॉइन, और वीर दुर्गादास जी का भी हैदराबाद मिंट सिंगल मिंट कॉइन है, ये भी ब्रिलियंट जेम UNC कंडीशन में आपको देखने मिल जाएगा। फिर अगर आप देखेंगे तो 1989 का जेम ब्रिलियंट UNC कंडीशन में नोएडा मिंट का आपको देखने मिलेगा, और 84 का हैदराबाद का भी 1 रुपीज़ आपको इसमें इस कंडीशन में देखने मिल जाएगा। और लास्टली 5 रुपीज़ में ये भी हाई डिमांड कॉइन है, म्यूल कॉइन है 5 रुपीज़, FSS कॉपर निकल की डाई यूज़ की है इस पर, इसलिए ये म्यूल हुआ है लाल बहादुर शास्त्री जी का। और साथ में ये आप FSS का देख सकते हैं, इस पर भी जो है UNC सेट की डाई इस पर यूज़ की गई थी फर्स्ट वॉर वाले पे, इस वजह से ये कॉइन कहीं ना कहीं म्यूल है और हाई डिमांड में है। तो ये दोनों कॉइन भी आपको बेस्ट कंडीशन में इसमें लगे हुए मिल जाएंगे।
इनको अगर आप एक साथ पूरा कलेक्शन करने जाएंगे मार्केट से, तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं पे करना पड़ेगा। इस कंडीशन का ये एक एक कॉइन अगर आप लेने जाएंगे तो कम से कम आपको 22,000 से 24,000 रुपये इसके लिए पे करना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपको मिलने जा रहा है, ये 20 कॉइन्स का पूरा सेट। इसमें रेयर, वेरी स्कार, स्कार श्रेणी के सभी कॉइन है, और सब के सब UNC, टॉप UNC, BUNC कंडीशन के कॉइन है। ये आपको मिलने जा रहा है 18,000 रुपीज़ में, 18,000 रुपये में 20 कॉइन का ये एल्बम, ठीक है। तो जिसको जो भी लेना है अपने बजट के हिसाब से, आप अपने एल्बम्स भी बुक करवा सकते हैं। या आपको बनवा के लेना है कुछ अलग थीम पे, कुछ अलग टाइप से, या आपका एक बजट है 20-30-50 हज़ार का, तो आप हमें बता सकते हैं। उस बजट के हिसाब से भी आपको एल्बम बन के मिल जाएगी। 20 कॉइन का भी मिलता है, 60 कॉइन का भी मिल सकता है, 120 कॉइन का भी मिल सकता है, 200 कॉइन का एल्बम भी मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को तो यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो कल मोस्ट लाइकली हो सकता है मेरे ऐप की लॉन्चिंग वाली वीडियो आ जाएगी। कल जो भी रहेगा मैं आप लोगों को अपडेट पहले कम्युनिटी टैब में बता दूंगा, उसके बाद फिर उसकी भी हम लॉन्चिंग की बात करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं पे एंड करता हूँ। इस उम्मीद से आज के वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए बाय।